हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज यूअर एंड यू आर वाचिंग लखनऊ एंटरटेनमेंट। तो आज का ब्लॉग यूपी बोले तो वाराणसी से हो रहा है। तो हम लोग आए हैं टूर के लिए, टोटल 13 डेज के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहला हम लोग का जो अभी रुकवाए हुए हैं सर लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रात को हम लोग आए हैं, ये सानिया बस में आए हैं, सिमडेगा और सानिया बस में। तो हम लोग सर रुकवाए हैं अभी यहाँ पे। तो हम लोग को अभी फर्स्ट में अभी वाराणसी सर लोग घुमाएंगे। अभी फर्स्ट लोग का डेस्टिनेशन यही है। फिर सर लोग बोल रहे हैं कि कुछ देर में अभी इन लोग का ब्रेकफास्ट बनने वाला है, तो देखते हैं अभी ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है, हम लोग दिखाएंगे। पर अभी क्या बोले, वाराणसी आए हैं तो पूरा फुल एंजॉय तो करना बनता है। और अपने साथ में है अपना एक के भी ब्लॉग्स के ओनर एक ब्लॉग्स सर, कुछ बोल दिए सर। बहुत सही जगह रुके हैं अभी फिलहाल, खाना वाना देखते हैं कैसे मिलता है, खाना बनता है। हाँ, इधर बता दिए खाना इधर ही मिल रहा है। तो बस आए हैं भाई यहाँ, तो फुल एंजॉय तो करना बनता है। तो अभी कुछ थोड़ा देर बाद यहाँ से निकलेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करके उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि वाराणसी कैसा है। तो यार हम लोग का नाश्ता आ चुका है। आज ये है हम लोग का नाश्ता सुबह का, ये है आलू बंदा गोभी और आलू बंदा गोभी का जोर है और चटनी है, अचार आज है पूड़ी। तो रुकिए एक बार दिखाते हैं खा के कैसे लगता है। अपना ब्लैक गैंग निकल चुके हैं हम लोग एजुकेशनल टूर के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साइड सीन के लिए। अभी अपना टूरिस्ट गाइड लोग उधर है, तो हमें लोग लेकर जाएगा अभी दिखाने के लिए कि अभी क्या क्या उधर है वाराणसी में, सब दिखाएगा अभी, अच्छा अच्छा को इंट्रोड्यूस करवाएगा। और अपने बादल समीर भाई यार, रॉक रॉक ब्लैक गैंग मेंबर्स ओनली मेंबर्स। अरे अपने ग्रुप वाली सहेली लोग है, निक्की सिमरन अंकिता शिल्पी और गुन्नू डुन्नू नहीं देख रही लोग अभी। तो चलिए उधर जाते हैं साइड सीन में और आप लोगों को दिखाते हैं अभी। फिलहाल तो फिर निकले हुए पैदल पैदल, पता नहीं सर लोग शायद पैसा बचा रहे लग रहा है क्या। क्लेश सर लोग पैसा बचा रहे क्या, बारह बोल रहे पाँच पूरी खिला के 5 किलोमीटर चलवा रहे, देख सकते हैं ना गाइस। हम लोग साथ अन्याय हो रहा है, क्या ही बताए। अभी पहुंच चुके हैं मतलब बुद्धारा पैलेस जितना भी है सभी दिखाते हैं अंदर जाके आप लोगों को। तो गाइस चप्पल उप्पल खोल के अब चलते हैं अंदर, जल्दी से दिखाते हुए अंदर का नजारा मतलब व्यू स्टैचू दिखाते हैं। टूरिस्ट बुद्धा सब देख लिए, बुद्धा का स्टैचू इधर देख लिए, अब चलते हैं बाहर के, देख सकते हैं काफी भीड़ लग रही है, सब तरफ से ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी एक से गए, बाय बाय खतरनाक, बाय 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 बाय। गाइस आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत मजा आ रहा है ना। चल ठीक है, एक सीन क्रिएट हो गया है कि अपना गाइड है वो बोल दिया कि मेरा वीडियो नहीं बनाने बोल रहा था, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, समझ नहीं आ रहा गाइस। हाँ गाइस सनातन भाई गाइस फोन, बड़का फोन गाइज, बड़का फोन छोटा सा फोन है गाइज अपना, तो सब ठीक है ना गाइज। तो हाँ गाइज ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब वो वाले टेम्पल साइड, अभी दिखाने बताएंगे उधर जाके। इतनी गर्मी में इतनी हॉट हॉट लड़कियाँ, ओ गॉड एक बार दिला दे। हमारे जाने माने फोटोग्राफर प्रेरणा भगत जी जो कि लोहरदगा से है। तो फिलहाल तो अभी आए हुए यहाँ पे बुद्धिस्ट इन्फॉर्मेशन वाला, जो अंदर में जितना इन्फॉर्मेशन वाला ले लिए हैं अंदर से, जितना क्या बोले स्टैचू था और जितना भी लिखा हुआ था वहाँ पे नीचे स्टैचू के नीचे लिखा हुआ था सब, मतलब कि यहाँ फोटो वोटो ले लिए हैं। तो अभी तो लोग देखते ये टेंपल के नीचे लोग खड़े हैं, अभी देख सकते हैं काफी खूबसूरत लग रहा है यार ये टेंपल। और आप लोग को इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि कुछ हम लोग को आइडिया नहीं है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो बुद्धिस्ट का इन्फॉर्मेशन है, क्या कि हम लोग का टूरिस्ट गाइड है, हम लोग का टूरिस्ट गाइड है वो कुछ बता नहीं रहा है, बस बोल रहा है कि अभी वीडियो जो भी लेना नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई।
तो ये रहे हमारे टूरिस्ट गाइड के दिखाते हैं, ये है हमारे टूरिस्ट गाइड जो कुछ बताने रहे हम लोग को, बोल रहे हैं कि बस ऐसे आवाज मतलब क्या बोले ऐसे तुम लोग याद कर लो बोल रहे हैं और पेपर ऊपर में लिख के बोल रहे हैं, पर अपने को तो बनाना है ब्लॉग तो फिर कैसे होगा इसे हमें यहाँ का घर में देख कर, तो बस अभी क्या बोले क्लास में जो लड़के लोग बोलते वही याद आ रहा था। प्रेरणा क्या बोलते हैं मनाली जाने का, इसलिए बोल रहे थे मनाली चलो मनाली लेके आया राजस्थान, राजस्थान अभी नहीं रहे अभी है वाराणसी में आए लोग, चलो मनाली इधर से ही निकलते हैं, इधर से वाराणसी अति मनाली क्या बोलते हैं गाइस क्या मनाली देखते हैं अगर रहेगा तो। भाई लोग बोल रहा है बहुत गर्मी लग रहा है, हम लोग आ गए गलत जगह आ गए हैं, कपड़ों के हिसाब से लाए नहीं है, गलत जगह आए नहीं है, बहुत अच्छा जगह है एजुकेशनल टूर के लिए एकदम सही है, एकदम अच्छा जगह है बिना छाता और गमछा के, तो यहाँ पे हाल एकदम बेहाल है यार, क्या ही पता है पूरा खतरनाक धूप लग रहा है। फिलहाल तो फिर जा रहे हैं दूसरी साइड की ओर जो अपना टूरिस्ट गाइड उधर लेके जा रहे हैं, अभी देखते उधर जाके क्या दिखाते अपना टूरिस्ट गाइड। यहाँ से देखिए किलोट बुड्ढा का जो यहाँ पे स्टैचू है काफी खतरनाक और बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब दूर से देख रहे थे तो काफी छोटा लग रहा था पर सामने आके देखते बहुत बड़ा है भाई, कितना फिट है वो तो देखना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकिए कहीं पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ देखें देखना कितना फिट लिखा हुआ देखते हैं, रुको जैंट हाँ तो जैंट बुद्धा मतलब कि टोटल ये 80 फीट 9 इंच, तो इसका टोटल है 80 फीट 9 इंच है इसका हाइट। अब लास्ट साइट है तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं जो है आर्ट गैलरी, तो जल्दी से अंदर चलते हैं अब दिखाते हैं अंदर में क्या क्या है। फाइनली यहाँ तो आर्ट गैलरी में आए, हमको लगा कुछ पेंटिंग उंटिंग सब होगा पर कुछ पेंटिंग तो है नहीं, बस यहाँ तो साड़ी उड़ी मिल रहा है भाई, क्या यार क्या बताएं गाइस, क्या भाई अपनी बंदी के लिए साड़ी लेना है क्या भाई, भाई बंदी का साड़ी कहाँ है। तो गाइस ये हाथी काफी खूबसूरत लग रहा है, हाथी मेरे साथी। तो यहाँ पे ओस्कर भाई अपनी मम्मी के लिए ले रहे हैं साड़ी ले रहे हैं, ओस्कर भाई मम्मी के लिए कौन सा साड़ी पसंद कर रहा है, ब्लू या व्हाइट, ब्लैक में दिखाई है ना, ब्लैक वो वाला साड़ी अच्छा लग रहा है ओस्कर, अपनी मम्मी के लिए साड़ी ये ले है, वो साड़ी कैसी लग रहा है वो पिंक वाला अच्छा लग रहा है ना, तो लेना चाहेंगे क्या सर आप, देखते हैं। अरे मम्मी खुश हो जाएगी यार, मम्मी को ब्लॉग दिखा देना ठीक ना, ले रहे हैं उसको मम्मी उसको पसंद करता। बनारस आए हैं तो मीठा पान तो खाना बनता है क्या भैया अंकल, तो बढ़िया वाला बनाइए तो हम लोग के लिए पान, कैसे दे रहे हैं 10 रुपया 3 जगह बनाइए तगड़ा वाला, मीठा पान आ गया है बनारसी का, बनारस का बनारसी पान खाए के पान बनारस वाला, पहुंच गया काफी खतरनाक गर्मी लग रहा है भाई, पंखा से भी हवा अच्छा से नहीं आ रहा है, क्या ही बताएं गाइस, हम लोग जितना सोचे थे उतना कुछ हुआ नहीं, सोचे थे कि कुछ और अच्छा अच्छा नया जगह लेके जाएगा पर यहाँ पे ऐसे हमारे साथ इतना प्रैंक खतरनाक वाला प्रैंक हो गया ना, क्या ही बोले गाइस कि जहाँ पे फ्री वाला हो रहा था वही बस लिया गया, टिकट जगह वाला हमको कहीं लिया ही नहीं,